प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स से संबंधित कुछ और सिद्धांत। और ये सिद्धांत भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कार्ल मार्क्स को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य और शासन संबंधी विचार कार्ल मार्क्स के, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद संबंधी धारणा। और ये फर्स्ट पार्ट में होगा, जिसमें कार्ल मार्क्स के राज्य और शासन संबंधी विचारों के साथ साथ हम उसकी आलोचना पढ़ेंगे और प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद संबंधी विचार पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे मार्क्स की पद्धति, आलोचना और कार्यक्रम, ये पार्ट सेकंड में आएगा। और थर्ड पार्ट जो है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो काफ़ी रेलेवेंट है और जो सबसे ज़्यादा जो विचारक हैं और समुदाय है उसमें ये प्रसिद्ध है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कि कैसे मूल्य का श्रम सिद्धांत है जिसमें एक उपयोग मूल्य होता है, एक विनिमय मूल्य होता है, और कैसे गरीब मजदूर और किसान का पैसा जो है पूंजीपति खा लेते हैं। तो हम ये इसमें पढ़ेंगे। विचारधारा, राज्य के संबंध में मार्क्स की विचारधारा सामान्य मत के सर्वथा विपरीत है। प्लेटो, अरस्तु और अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और ये दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया। दूसरा पॉइंट है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और इस अधिकार के माध्यम से वे बहुसंख्यक कृषक जनता का शोषण एवं उत्पीड़न करते थे। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार ये बात प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान काल के तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों के संबंध में भी सत्य है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग एवं उसके समर्थकों के हाथ में होती है। मार्क्स और एंजल्स के अनुसार राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य सब वर्गों, शक्तियों के हितों की रक्षा करना हो, वरन एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और उसे शोषित वर्ग के अधिकाधिक शोषण की ओर प्रवृत्त करना है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजल्स ने भी कहा, राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। नेक्स्ट है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। मार्क्स राज्य को अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में तो विश्वास व्यक्त करता है, लेकिन उसके साथ ये मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव या वांछनीय नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट स्थापित होगा। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी सरकार द्वारा वैयक्तिक संपत्ति के उन्मूलन, पैतृक संपत्ति अधिकारों की समाप्ति, यातायात तथा संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण एवं पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को ही वास्तविक लोकतंत्र मानता था। उसके शब्दों में अब तक की सभी राज्य व्यवस्थाएं
अल्पसंख्यकों की अथवा अल्पसंख्यकों के हित के लिए विद्यमान रही हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भारी बहुसंख्या की जागृत तथा स्वतंत्र व्यवस्था है और वे भारी बहुसंख्या के हितों के लिए है। नेक्स्ट है राज्यविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना का आदर्श। साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं और उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना के बाद से ही वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। स्वयं मार्क्स के शब्दों में पुराने बुर्जुआ समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगा। राज्यविहीन और वर्गविहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप वस्तुएं व पारिश्रमिक प्राप्त होगा। ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। और जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। अब इस सिद्धांत की आलोचनाएं। नंबर एक, राज्य एक वर्गीय संगठन ही वरन एक नैतिक संगठन। मार्क्स के अनुसार राज्य एक ऐसा वर्गीय संगठन है जिसका प्रयोग पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए करता है, किंतु मार्क्सवाद के आलोचकों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन न होकर एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। ये संभव है कि कुछ राज्यों में विशेष वर्गों के हितों को ही प्रधान रूप से सुरक्षित रखा गया हो, किंतु सभी राज्य सदैव साधारण जनता के हितों की उपेक्षा करते हुए विशेष वर्गों के हितों का पोषण करते हैं। इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सेबाइन के शब्दों में यह सिद्धांत कि राज्य केवल शोषण का एजेंट एक क्रांतिकारी अल्पमत का प्रचार मात्र है। ये ऐसा सिद्धांत नहीं है जिस पर कोई शासन अथवा शासन अपना कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए आलोचकों का विचार है कि राज्य को एक वर्गीय संगठन मानकर चलना एक दुर्भावनापूर्ण विचार है, प्रेजुडिशियल आइडिया। नेक्स्ट है वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु ना होकर मित्र। मार्क्स के द्वारा राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बताया गया है, किंतु बाद का इतिहास इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। उनके मतानुसार पूंजीवादी देशों में पूंजीपति अपने प्रभाव को उपभोग करते हुए श्रमिक वर्ग को सामान्य जनता के हित में कानून नहीं बनने देते हैं, किंतु पिछले लगभग 50 वर्षों में विश्व के सभी राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया गया है और अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में श्रमिक के हितों में अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। इन राज्यों में श्रमिकों के कार्य और अवकाश के घंटे निश्चित किए गए हैं, उनके लिए न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की गई है, बेकारी, बीमारी और बुढ़ापे की अवस्था में उनकी सहायता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इस प्रकार राज्य श्रमिकों के शोषण के साधन के रूप में नहीं वरन उनके उत्थान और कल्याण के प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है राज्य अस्थाई नहीं वरन स्थाई। मार्क्सवाद में राज्य को एक अस्थाई संस्था मानकर निश्चित रूप से उसके विलीनीकरण की धारणा व्यक्त की गई है, किंतु वास्तव में राज्य मानवीय स्वभाव की मूल स्थायी प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण एक शाश्वत संस्था है और उसके विनाश की कोई संभावना नहीं है। साम्यवादियों ने सोवियत संघ में 1917 में सत्ता प्राप्त की और कुछ समय बाद उन्होंने तथाकथित बुर्जुआ वर्ग को ही समाप्त कर दिया, लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था में राज्य समाप्त होने के बजाय अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। ये एक सर्वमान्य सत्य है कि सत्ता में कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि एक बार सत्ता प्राप्त करने के बाद उसका त्याग अत्यधिक कठिन होता है। लॉस्की के शब्दों में शक्ति के विष का कुप्रभाव सर्वविदित है और ये मान लेना कठिन है कि साम्यवादी उसके प्रभाव से बचे रहेंगे। नेक्स्ट है राज्य के विलीनीकरण की धारणा कपोल कल्पनित। यद्यपि मार्क्स के द्वारा सेंट साइमन फोरियर और प्रूदो जैसे विचारकों के सिद्धांतों को काल्पनिक कहकर उसका उपहास किया गया है, किंतु स्वयं उसकी राज्यहीन और वर्गहीन समाज की धारणा कम काल्पनिक और उपहास योग्य नहीं है। मार्क्स ने कहीं पर भी ये बताने का प्रयत्न नहीं किया है कि वर्गहीन समाज किस प्रकार विकास क्रम का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है। इसके अतिरिक्त चाहे कैसा भी हो, वर्गहीन समाज हो, उसे राज्य की शक्ति के बिना स्थिर नहीं रखा जा सकता है।
मार्क्स का कल्पनावाद तो फोरियर, ओवन और अन्य कल्पनावादियों से भी दोषपूर्ण है, क्योंकि मार्क्स द्वारा निरूपित वर्गहीन समाज की स्थापना में ना तो मानवीय प्रयत्नों का योग स्वीकार किया गया है और ना ही न्याय तथा नैतिकता के आधार पर ही कोई अपील की गई है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में धारणा। मार्क्सवाद प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्रवाद तीनों की आलोचना करते हुए उसे अस्वीकार करता है। वह प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को धनिकों की संस्था कहकर उसका उपहास करता है और उसका विचार है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती, इसलिए प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर देना चाहिए। मार्क्स प्रजातंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है और इस कारण उसके द्वारा अंतरिम काल में भी प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायक वाद की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन माना है। उसका विचार है कि वर्तमान समय की शोषणीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं वरन कितने ही लुई और जार पैदा हुए हैं, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, जिसने इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोका है। एक स्थान पर मार्क्स धर्म को ही जनता की अफीम की संज्ञा देता है, ओपियम ऑफ द पीपल, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पतन के गर्त में पड़ी ओंघती रहती है। यह मार्क्स राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है। उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, यही कारण है उसने विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा लगाया था। उसका विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा, वर्ग संघर्ष और शत्रुता के कम हो जाने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का कोई कारण नहीं रहेगा, युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना होगी। अब इसकी आलोचना। नंबर एक, प्रजातंत्र के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण। प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्सवादी विचारधारा त्रुटिपूर्ण है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र के अनेक दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निस्संदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अधिनायकवाद के आधार पर कुछ क्षणिक लाभ प्राप्त भले ही कर लें, लेकिन ये स्थायी नहीं रहेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट है धर्म की आलोचना अनुचित। धर्म को भाग्यवाद के रूप समझकर मार्क्स के द्वारा भीषण गलती की गई है। वास्तविक धर्म तो भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का ही पाठ पढ़ाता है। मार्क्सवादी दर्शन में धर्म और नैतिकता का जो उपहास उड़ाया गया है, उसका इस दर्शन से प्रचलित प्रभावित शक्तियों पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक है। वास्तव में मनुष्य एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी भी है, और धर्म या ईश चिंतन को मानवीय आत्मा का भोजन कहा जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा आगे आने जाने वाले समय के लिए चाहे कितनी भी स्वाभाविक और वांछनीय क्यों ना हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय की तो महानतम शक्ति राष्ट्रवाद है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ आह्वान का कोई औचित्य नहीं है। कार्ल मार्क्स के द्वारा धर्म की जो आलोचना की गई है, उसके संबंध में एक विशेष बात कही जा सकती है। कार्ल मार्क्स की विडंबना यह है कि एक ओर तो वह धर्म पर निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है, दूसरी ओर वह अपनी विचारधारा को मानव जाति का एक नवीन धर्म बनाने का भरसक चेष्टा करता है। आज के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक डोगलस जे ने अपनी पुस्तक सोशलिज्म इन द न्यू सोसाइटी 1970 में कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद की ओर जो संकेत दिया है, उस संबंध में हेलियो वेल लिखते हैं, मार्क्सवाद सिद्धांत धर्म को स्वीकार करता है, पर व्यवहार में तो तीव्र भावना मार्क्सवाद के पीछे काम करती है, उसकी प्रकृति धार्मिक ही है। मार्क्सवाद ना तो दर्शन, ना आर्थिक सिद्धांत, ना आर्थिक कार्यक्रम, वरन धर्म के रूप में श्रमिकों को आकर्षित करता है। मार्क्स ईश्वर के बदले ऐतिहासिक आवश्यकता को धर्मप्रिय लोगों के स्थान पर सर्वहारा वर्ग की ओर, एक वर्ग धर्म राज्य के स्थान पर साम्यवादी राज्य को स्थानापन्न करता है। तो ये आज हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, और अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे मार्क्स की पद्धति, आलोचना और कार्यक्रम।